आप बड़े क्यूट हो हैं? फोटो आप पहले टॉफी लोगे? यू वेलकम। एक मिनट, एक फोटो खींच लो। ऐसे 23 किलोमीटर लंबा है और बहुत सारे ऐसे बीच में ग्लेशियर मिल रहे हैं। ऐसा ग्लेशियर मैंने अभी पहली बार देखा है इतने करीब से। ऐसा लग रहा है कि पूरी नदी बह रही है, पूरी बर्फ बह रही है। तो आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और रात को मैं रुका था यहाँ पे, ये जगह, और मुझसे 100 रुपीज़ लिए कैंपिंग के। आपको वॉशरूम यूज कर सकते हो और बाकी सभी चीज़ें यूज कर सकते हो। और मैं ये बता दूँ, ये जगह थी लास्ट, सेकंड लास्ट बिफोर पेंसिला। तो इसके बाद एक गांव और आएगा, उसके बाद पेंसिला की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे ग्लेशियर भी है, तो और आगे झंस्कार तक प्योर ऑफ रोड है। तो यहाँ से झंस्कार है 180-190 के अराउंड। तो आज का सफ़र ज़बरदस्त होने वाला है, प्योर ऑफ रोड। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, और आपने कल ये देखा था, ये वाले पहाड़, ये पहाड़ बादलों से भरे थे और उसके उस तरफ तो ग्लेशियर है और इधर तो थोड़ा बहुत ही बर्फ़ है। और अब बिल्कुल साफ़ है मौसम। यहाँ पे ज़्यादा ठंड तो नहीं है, हल्की हल्की है, बट पेंसिला जैसे ही हम पहुँचेंगे उसके बाद ज़बरदस्त ठंड है झंस्कार तक। और झंस्कार तो फेमस ही ठंड के लिए है। तो वहाँ पे लोग आते सर्दियों में इसलिए कि वहाँ की लाइफ स्टाइल देखें कि ठंड में लोग रहते कैसे। तो अभी झंस्कार चलेंगे, और अभी टाइम हुआ 9, पर मेरे को अभी निकलते निकलते हाँ 1.5 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है और थोड़ा और बाकी काम करना है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। तो आराम आराम से होगा। अभी पैकिंग करता हूँ और ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद चलते हैं। और ब्रेकफास्ट में मेरे पास ओट्स हैं और दूध है, तो मैं उसकी कॉफ़ी बना लूँगा और ये करते हैं। और इसको भी पैक करना है यार, इसको भी पैक करने में मेरे को 15-20 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी भैया, बहुत टाइम आज, सबसे ज़्यादा टाइम में ही आज ही लेट हूँ। अच्छा, ओके सर। ओके ओके भैया, अच्छा सर, हो गया है ना? 11 बज गया। आराम ठीक है, जाइए आराम से, आप रंग दूँ आराम से। ओके थैंक यू। ओके बेस्ट ऑफ लक। 9:30 बजे सब कुछ रेडी हो गया था और अब हो चुके 10:44। गप सप करने में इतना टाइम लग गया, बहुत लेट हूँ मैं जिस कार के हिसाब से, यहाँ के रोड के हिसाब से ह्यूज हूँ। एक रोड ऊपर से भी जा रहा है और एक ही अभी जा रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और अभी कोई मुझे बंदा दिखा नहीं है रास्ते में जो मुझे बता सके। देखिए उधर से ऊपर से जा रहा है सीधा स्ट्रेट। ये आप छोटा सा ग्लेशियर देख रहे हो कैसे है, इस पे पहाड़ों की मिट्टी विट्टी गिर गई है, थोड़ी सी जगह आपको दिख रहा है बस, सुनो ये पूरा ग्लेशियर है और इसी के कारण ये बचा हुआ है। तो डबल लेन कर रहे हैं पर पता नहीं कब बनेगा, अभी तो बहुत हालत टाइट है। और जो कह रहा हो कि लद्दाख में अब ऑफ रोडिंग नहीं बचा, वो इस रोड पे आके देख ले, खतरनाक ऑफ रोडिंग है। ये देखो भाई नज़ारा, कितना बड़ा ग्लेशियर है। ऊपर शायद नई नई स्नोफॉल हुई है तो वो दिख रही है, और ये उसमें से पानी आ रहा है बस इतना सा।
क्या कमाल का व्यू भाई, सामने देखो क्या शानदार वैली है, खूबसूरत बाहें खोल के हमारा स्वागत कर रही है कि फटाफट आओ हमारे पास। अब मैं हूँ रांगदूम में और ये लास्ट विलेज है पेंसिला से जस्ट पहले, और ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये देखो, पर मेरी हालत बहुत टाइट हो गई है। 40 किलोमीटर चले हैं और टाइम लग गया अराउंड 2 घंटे से थोड़ा सा कम, तो रास्ता बहुत ख़राब है बट बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बस कोई बढ़िया सी जगह रेस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए, जहाँ पे मैं रेस्ट कर सकूँ, हवा ना लगे और धूप हो, क्योंकि मुझे करना है रेस्ट, बॉडी को चाहिए आराम। खाना खा लिया और अब ज़रूरत है रेस्ट की, बॉडी को बहुत रेस्ट चाहिए मेरे को, क्योंकि रात को नींद ही बहुत कम आती है, तो आराम आराम से जाऊंगा तो ठीक रहूंगा। और ये रेस्ट पॉइंट सुना देखा मैंने, और सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये खूबसूरत, और ये स्तूपा है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आधा घंटा मैक्सिमम, उसके बाद मीटर खींचना है और फिर लगभग मिनिमम 60-70 किलोमीटर और खींचना है, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाएंगे। 2 बजने वाले हैं, जस्ट 5-4 मिनट बचे हैं, तो 5-6 बजे तक आज राइड करनी है, तो देखते हैं कहाँ तक जाया जाएगा आज हमसे। तो जी चलते हैं यहाँ से, ये जगह देखो, ओहो क्या जगह है यार, खूबसूरत वैली और झंस्कार रीजन, दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं हमारा। अगर ये ब्रिज टूटा हुआ हुआ तो हमें खतरनाक वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ी, शायद ड्रग्स वगैरह के लिए वो है, बाइक जा सकता है इसमें से। बाइक के लिए रास्ता है ये, खार खार को सबको उधर वाटर क्रॉसिंग करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आए हुए थे और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखे थे, उनको कोई पशु दिखा होगा, उनको कोई जानवर दिखा होगा यहाँ का लोकल, तो आदमी क्या करें इतना ऊँचे वहाँ पे, जो आदमी भी हैं। घर के स्काई का कलर देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, ऐसा कलर नहीं देखा मैंने आज से पहले कभी स्काई का, हल्का हल्का ब्लू बादलों के बीच में, और इधर देखो ग्लेशियर, जब उस पर थोड़ी सी धूप पड़ रही है कैसा चमक रहा है। जबरदस्त, मुझे बहुत प्यारी लगी, खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे सफ़ेद संगमरमर हो या दूध से धुला, क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार। मैं अभी तक सोचता था कि आपको मनाली से ले आ गए तो सबसे खूबसूरत रास्ता वही है और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, बट जब से मैं इस रोड पे आया हूँ आपका नज़रिया बदल जाएगा, ये रोड बहुत खूबसूरत है, रोड नहीं, रोड तो आपका ऑफ रोड है पर बन रहा है, तो जब बन जाएगा तो बहुत मक्खन रोड बनेगा, और व्यू शानदार है, कहीं पे इतने प्यारे प्यारे ग्लेशियर हैं, कहाँ पे क्या है, और
इस रोड पे छोटे छोटे इतने सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा, और पहाड़ों कलर और जानवर भी, तो सब चीज़ में रिच है। आप पहुँच गए और मुझे पता ही नहीं चला, और ये पूरा जो मैं इतना खूबसूरत बता रहा था, ये पूरा है ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर, नदी के आकार में देखो बहता हुआ, जैसे नदी बह रही है। अभी उसके पास जाएंगे हम, तो उधर ही चलते हैं। ऐसा लगता है कि ये नदी बह रही है पूरी, ये पूरा ग्लेशियर बह रहा है। और अभी थोड़ा ये कम हाइट हो गया है, अगर आप विंटर टाइम में आओ तो ये बहुत ऊंचा भी होता है। और ये सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है जहाँ पे हम इजीली पहुँच सकते हैं, और ये बैंगड्रुंग ग्लेशियर है। और यार यहाँ पे हवा इतनी ड्राई है हद से भी ज़्यादा, और मैं 3-4 बार इतना करीब में मुंह पे लपेट चुका हूँ कि मैं यार, और वो एक सेकंड बाद नहीं पता चलता कि यार कुछ भी लगाया है भी है फेस पे, और जब भी सुखा देता। और इतनी यहाँ पे ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं। और ये, और जो ये ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर है, ये 23 किलोमीटर लंबा है। इस टाइम पर पता नहीं कितना रह गया है, पर 23 किलोमीटर लंबा है। ग्लोबल वार्मिंग कारण इसका साइज थोड़ा छोटा हो रहा है और थोड़ा पतला भी हो रहा है, पर ये वाला बहुत खूबसूरत है। ये पूरा उसी का पार्ट है, और ये 23 किलोमीटर है, ये यहाँ तक है। और ये वाला नीचे वाला पानी भी जम चुका है लगभग, और शायद यहाँ तक हम आ सकते हैं, पर मैं बाइक लाऊंगा नहीं यार, बहुत ठंडा है, क्योंकि यहाँ से कुछ व्यू दिखेगा ही नहीं, उधर से दिखेगा हमें पूरा। और उधर का पहाड़ कलर देखिए, ऊपर ब्लू 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 सा है, इतनी प्यारी है ये भी। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, हमें पता ही नहीं चला कि हमने कब पेंसिल अक्रॉस कर दिया। बीच में मैं वहाँ पे रुका भी था शायद इसका फोटो लेने के लिए। वहाँ पे कुछ झंडे लगे थे, जो तो मैं सोचा ये तो वैसे ही होगा, क्योंकि हम ना तो कुछ ज़्यादा हाइट पे आए हैं और ना कोई स्टीक चढ़ाई थी, बट वो पेंसिल था और ये क्रॉस कर लिए हम, और अब हम हैं झंस्कार रीजन में। और यार यहाँ पे हवा ना बहुत ड्राई है और ऑक्सीजन भी कम है। ऐसे 23 किलोमीटर लंबा है और बहुत सारे ऐसे बीच में ग्लेशियर मिल रहे हैं। ऐसा ग्लेशियर मैंने अभी पहली बार देखा है इतने करीब से, ऐसा लग रहा है कि पूरी नदी बह रही है, पूरी बर्फ बह रही है। यहाँ से जो भी हिस्से में हवा लगती है ना वो सूख रहा है। यहाँ पे हवा नहीं लग रही है, सुकून सा मिला भाई। ये जगह कुछ कुछ सरचू जैसी है, हवाएं भी वैसी ठंडी, और उसमें रिवर थोड़ा सा ज्यादा है पानी, ऐसे ही काफी कुछ है, तो कुछ कुछ सरचू जैसा है। फिर पहाड़ों पे देखो जो घास हुई है, कोई लाल हो गई है, कोई पीली हो गई है, और नीचे ग्रीन है, और पता नहीं क्या क्या मिक्स हो गया है, और यहाँ पे येलो,
तो एक नक्काशी सी बन गई है। इस रोड पे आपको सारे एडवेंचर देखने को मिल जाएंगे अगर आप इस पे आते हो तो। अभी तो बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग बंद हुई पड़ी है, खेतों से कटाई वटाई तो सब कुछ हो गई है, अब बस घास इकट्ठा किया जा रहा है। और वाले गांव स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पे डंकर वाली ठंड पड़ती है, और यहाँ पे डंकर बर्फ भी पड़ती है और डंकर ठंड भी। टॉफी आ जाओ, आओ 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 ना, है अब बड़े क्यूट हो, है फोटो आपको पहले टॉफी लोगे, एक उसके लिए और एक आपके लिए। वेलकम, एक मिनट एक फोटो खींच लो। बड़े क्यूट बच्चा है यार दोनों, मेरे पास आए और बोले मेरा फोटो खींचो। फाइनली धूप के दर्शन हुए, इधर की ये घर देखो, ऊपर की पहाड़ी है जो बिल्कुल टॉप पे वो स्लेटी स्लेटी कलर की है और नीचे रेड है फिर थोड़ा सा ग्रीन है, और ये घर देखो क्या चमक रहे हैं धूप पे। और ये पूरी वैली बहुत प्यारी है, इधर के पहाड़ों कलर देखो और फिर इधर के देखो यार, ये ना रुक के बनाना पड़ेगा। बल्ले 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 बल्ले, फाइनली रोड आ गया भाई, मजा आ गया। यहाँ से पदम है अराउंड 15 किलोमीटर, तो ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है ऐसा रोड रहा। तो ऐसे रोड पे ना बाइक चलाने बिल्कुल थकावट नहीं होती, मेरी सारी थकावट गुम हो गई है। एक तो बढ़िया रोड है और दोनों तरफ क्या शानदार व्यू है, बुद्धा की एक बीच में स्टैच्यू झील के बीचों बीच, क्या सुंदर है। ऊपरों में पंगा आ गया था और मैं इस जगह पे आ गया था, और ये जगह आप देख सकते कितनी खूबसूरत है, और सामने एक मैत्रेयी बुद्धा की स्टैचू है। इसका सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे पता क्या लगता है कि ये पॉन्ड के जस्ट सामने और इसका रिफ्लेक्शन आता है, और पॉन्ड का पानी बिल्कुल साफ है और हल्का 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 मूवमेंट है जो हवा की वजह से। और ये गांव बहुत प्यारा, इस टाइम पे सनसेट के टाइम पे व्यू देखो, वो और ये मैच हो रहे। मैं पदम में हूँ और पदम में कोई होम स्टे वगैरह नहीं है, शायद ही कोई रेयरली मिल जाए अगर आपके पास इंटरनेट हो, और यहाँ पे एयरटेल भी नहीं चलता, तो यहाँ पे चलते केवल जियो। और बहुत बड़ा सिटी है ये एक,
उसके बावजूद एयरटेल नहीं चलता। चलो अगर मेरे पास जियो होता तो शायद मैं होम स्टे ढूंढ लेता, पर अब मैं हूँ गवर्नमेंट के टूरिस्ट बंगलों में जो मुझे ये मिल गए 500 में पूरा। और बाथरूम वगैरह सब कुछ टकाटक है। और मैं बाहर रूम का रेट पूछ रहा था तो मुझे कोई 2-2.5 हज़ार से कम का बिल्कुल नहीं बता रहा था। तो ढूंढने से जो चाहूँ वो मिल जाता है। तो आज की जो बल्ले बल्ले हो गई है, मैं 2 दिन यहीं पर रुकने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लिनिक वगैरह सब कुछ है। तो 1 दिन और रेस्ट करता हूँ आराम से, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, क्योंकि थोड़ा सा अब जैसे ही शाम होने लगता है तो तबीयत ढीली होने लगती है। तो मेरे को जाना है सिंकुला पास होके, जो कि टफेस्ट रोड है इस टाइम पे लद्दाख का, तो उधर से जाना है। तो उसके लिए फिर बॉडी भी मेंटली भी सब कुछ फिट होना पड़ता है। तो 2 दिन यहीं पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सिंकुला पास।